भाई हाल फिलहाल क्रिकेट की दुनिया में एक टीम और दो प्लेयर्स का बोलबाला हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है और इस जीत के दो बड़े नाम हैं डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, जिनकी बल्लेबाजी के सामने न्यूजीलैंडर्स की भैया एक भी नहीं चली। हालांकि दोनों ही टीम्स पहली बार इस टाइटल को जीतने के लिए पूरे टूर्नामेंट में जी जान लगाती दिखी थी। इस दौरान विक्टोरियस वार्नर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने में सक्सेसफुल रहे थे। ऑसीज का ये सलामी बल्लेबाज वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियन बैटर बन गए हैं। वार्नर ने इस वर्ल्ड कप में 7 मैचेस में टोटल 289 रन अपने नाम किए थे। फाइनल मैच में 30 रन बनाते ही वो इस माइलस्टोन को अचीव करने में सक्सेसफुल हो गए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये रिकॉर्ड मैथ्यू हेडन के नाम था, जिन्होंने साल 2007 के T20 विश्व कप में 265 रन बनाए थे। वहीं इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने 2012 के T20 वर्ल्ड कप में 249 रन बनाए थे। वार्नर ने इन दोनों को अब पीछे छोड़ दिया है। फाइनल से पहले वार्नर ने 6 मैचेस खेले थे और 236 रन बनाए थे और फाइनल मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 30 रन बनाते ही उन्होंने ये टारगेट अचीव किया है। इसी के साथ ही दोस्तों, वार्नर T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी थे। दोस्तों, एक खराब दौर के बाद वार्नर की शानदार वापसी हुई है, जहां IPL में रन ना बनाने की वजह से पहले तो उनसे कप्तानी छीनी गई थी, फिर उसके बाद उन्हें टीम से भी हटाया गया था। भाई इस धमाकेदार कमबैक के बाद दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वार्नर को एक बार फिर रिटेन करना चाहेगी सनराइजर्स हैदराबाद, या फिर अब डेविड वार्नर को हैदराबाद का साथ छोड़ देना चाहिए? जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि भैया इस विस्फोटक बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल्स तक पहुंचाने में बेहद शानदार परफॉर्म किया है। वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ मैचेस में विनिंग इनिंग्स खेलते नजर आए थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 14 रन बनाए थे, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 65 रन की पारी खेली थी, इंग्लैंड के खिलाफ एक ही रन बनाकर आउट हुए थे, बांग्लादेश के खिलाफ भी 18 रन बनाए थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने 89 रन की नाबाद पारी खेली थी, एंड देन सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान के खिलाफ 49 रन की मजबूत पारी खेली थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 38 गेंदों में 53 रन्स की शानदार धमाकेदार पारी खेलते नजर आए थे। तो दोस्तों, अब इस लिहाज से एक बार फिर कहना गलत नहीं होगा कि भैया डेविड वार्नर, द विक्टोरियस वार्नर इज बैक। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब IPL में किस टीम को वार्नर को लेना चाहिए? जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भाई इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें क्रिकेट लाइन गुरु के साथ। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram फॉर क्विक अपडेट्स।